मिशन 2022 के तहत युवाओं ने कसी कमर। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 2022 के तहत लगातार हो रहा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का विस्तार। शनिवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने मिशन 2022 के तहत विधानसभा पट्टी का विस्तार करते हुए एक दर्जन युवाओं को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोजियो, जिला अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा की सहमतियों संतुति पर आज शनिवार को पार्टी का विस्तार करते हुए पट्टी विधानसभा कमेटी में राजेश सिंह को सचिव यो, राकेश सिंह यो, विनोद कुमार सिंह को उप सचिव यो, विकास खंड को कार्यकारिणी सदस्य और ब्लॉक कमेटी आसपुर देवसरा में राम सिंह को महासचिव यो, अंकित पांडे को सचिव यो, सत्यप्रकाश मिश्र को उप सचिव यो, राजन सिंह को कार्यकारिणी सदस्य और आनंद पाठक को जिला उप सचिव के पद पर मनोनीत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी, आसपुर देवसरा ब्लॉक के प्रधान महासचिव प्रदीप पाठक, महासचिव धनंजय अग्रहरि ने संयुक्त रूप से नौ नियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदान किया। इस दौरान अमर बहादुर सिंह, प्रथमेश विश्वकर्मा, मयंक श्रीवास्तव, सर्वेश उपाध्याय, अच्छे लाल मिश्र, बाल मुकुंद उपाध्याय, अभिजीत सिंह मौजूद रहे। देखे प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। आज पुनः पट्टी विधानसभा में पार्टी का विस्तार करते हुए मिशन 2022 के तहत लगभग एक दर्जन युवाओं को पार्टी में जोड़ते हुए उन्हें विभिन्न पदों पर मनोनीत किया। इसमें पट्टी विधानसभा में कई लोगों को मनोनीत किया गया एवं ब्लॉक कमेटी आसपुर देवसरा में राम सिंह को महासचिव, अंकित पांडे और सत्यप्रकाश मिश्रा सहित कई लोगों को पार्टी में मनोनीत किया गया। इसके साथ ही लगभग एक दर्जन युवाओं को पार्टी में सदस्यता प्रदान की गई। इस दौरान अमर बहादुर सिंह, पट्टी ब्लॉक के उपाध्यक्ष रत्नाकर पांडे, आसपुर दूसरा ब्लॉक के प्रधान महासचिव प्रदीप पाठक एवं एवं महासचिव धनंजय अग्रहरी, प्रथमेश विश्वकर्मा, अच्छे लाल मिश्रा आदि मौजूद रहे। मिशन 2022 के तहत पार्टी का विस्तार लगातार किया जा रहा है, जिसके तहत आज पुनः पट्टी में विस्तार किया गया एवं पार्टी में सभी को मनोनीत करते हुए उन्हें विभिन्न पदों पर मनोनीत करते हुए पार्टी को मजबूत करते हुए मिशन 2022 को सफल बनाने हेतु निर्देशित किया।